नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, टीजर सर क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी और हिंदी में हमारे चल रहे हैं एमसीक्यू। आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग से संबंधित एमसीक्यू, जो कितने इम्पोर्टेंट है या विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों के आधार पर हम देख रहे हैं। चलिए चलते हैं। चलिए, ये जो प्रश्न है आपके सामने 2011 की भर्ती में आया हुआ प्रश्न है। 2011 की भर्ती में दिया गया प्रश्न, है। प्रश्न है आपके सामने, जो शब्द अंश यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, शब्द धन अंश यानी ऐसा अंश जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसमें विशेषता उत्पन्न करते हैं, से कहते हैं भाई वे शब्द अंश, यानी वे शब्दों के अंश जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ के उनके अर्थ में एक विशेषता लाते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? हम उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने शब्द लिखा, जैसे कि आपके सामने शब्द है हार। अब हार क्या है? मूल शब्द है। हार क्या है? मूल शब्द है। हार है आपके पास मूल शब्द। अब इसमें मैंने एक उपसर्ग जोड़ा आपके पास बिहार, मैंने उपसर्ग जोड़ा इसमें आहार, मैंने उपसर्ग जोड़ा इसमें प्रहार। यानी ये क्या है? ये है आपका वी उपसर्ग, ये है आपका आ उपसर्ग और ये है आपका प्रा उपसर्ग। यानी शब्दों के अंश से ही इसका जब अर्थ बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है। मैंने मूल शब्द, ये क्या है? मूल शब्द। इस मूल शब्द में मैंने आपके उपसर्ग जोड़े हैं हार, प्रा और आपका भी। बिहार शब्द बना आपके इसमें जोड़ने से बिहार, बिहार बिहार यानी आपका घूमना, बिहार करना। और प्रहार, प्रहार करना यानी आपका। और आहार, आहार यानी होता है भोजन, जिनके आपका पूर्ण रूप से उनका अर्थ ही बदल देता है, उनके उसमें अर्थ में शिष्टता आ जाती है, वही क्या कहलाते हैं? आपके उपसर्ग कहलाते हैं। तो यहाँ आपका उत्तर दो सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न है आपके सामने PSI 2011 की भर्ती में आया हुआ प्रश्न। प्रश्न है, अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द है, मूल शब्द क्या होता है? चलिए, मूल शब्द है आपके सामने आशा। मूल शब्द क्या है इसमें? आशा। देखिए, इसमें आपके उपसर्ग लग रहा है और आपका प्रत्यय भी लग रहा है। उपसर्ग तो हमने देख लिया, उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग होता है वह शब्दांश जो मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में एक विशेषता लाते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। लेकिन प्रत्यय क्या होते हैं? वही वह शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर, मैंने जो बोला प्रारंभ में जुड़ते हैं वो होते हैं उपसर्ग, और जो अंत में लगते हैं, देखिए जो प्रारंभ में लगते हैं, शुरुआत में लगते हैं, वो होते हैं उपसर्ग, और जो अंत में लगते हैं वो होते हैं आपके प्रत्यय। जो प्रारंभ में जुड़ते हैं इसके उपसर्ग, और जो अंत में जुड़ते हैं वो कहते हैं आपके प्रत्यय। ये हमारा उत्तर क्या है? आशा। देखिए, इसमें आपके अप्रत्याशित शब्द है आपके सामने अप्रत्याशित। मैं समझा रही हूँ, शब्द है आपके सामने, मैंने लिखा आशा, मूल शब्द लिखा मैंने आशा। आशा में आपके जोड़ेंगे, मैं दो उपसर्ग लगा है, एक तो है आपके पास आ उपसर्ग, एक है आपके पास प्रति उपसर्ग, और एक है आपके सामने इत प्रत्यय। ये क्या है? इत प्रत्यय है, उपसर्ग है, और आपका उपसर्ग अप्रत्यय।
अप्रत्याशित, इत लगने से तो ये आशित बना, आशित बना, और इसमें लड़ने से ये आपके ई और आ का मेल हमारा प्रत्यय बनाया, आ और ई का मेल हमें प्रत्यय बनाया, और आपका आ है तो आ उपसर्ग तो शब्द बना आपके पास अप्रत्याशित। मूल शब्द क्या हुआ यहाँ पर? आशा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 में आया हुआ प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है देखना है। भाई उत्तर नंबर एक में अ, एक में आपके उपसर्ग अ, और चार में नहीं है, प्र उपसर्ग है, बी उपसर्ग है, विचार और आचार भी आपका उपसर्ग है, इसमें आ है, इसमें वी है और आपके प्रा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2014 की भर्ती में आया हुआ प्रश्न, चलिए निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है, अप उपसर्ग नहीं है, अप्रोक्ष, अपादान, अपवाद और आपका अप अपमान। भाई अपादान में नहीं है, अप्रोक्ष में है, अप्रोक्ष में है, अपवाद में है और अपमान में भी आपके अप उपसर्ग है, अप उपसर्ग नहीं है पूछ रहा है, इसमें अपादान में नहीं है, ठीक है। तो उत्तर नंबर आपका यहाँ दो सही होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न है आपके सामने स्कूल व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता 2020 में दिया गया और यही प्रश्न आपका आरपीएससी कनिष्ठ लिपिक 2011 की भर्ती में दिया गया था, यानी रिपीट होके आपके प्रश्न आया है 2020 में। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से ही बना है, परा उपसर्ग से नहीं बना है, नहीं बना है, कौन सा नहीं बना है, परा से, परा से नहीं बना है आपका, पराधीन, परामर्श, पराधीन, पराभव और पराजय, परा से नहीं बना है, पराधीन नहीं बना, पर परा, पर थोड़ी सी गलती कर दी है, आधीन है, तो यहाँ पर का शाब्दिक अर्थ होता है दूसरे के अधीन होना, पराधीन होना, उत्तर यहाँ पे दो सही माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, स्टेनोग्राफर परीक्षा 2021 की भर्ती में दिया गया प्रश्न, चलिए पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, पराजय शब्द में लगा है आपके पराजय, परा उपसर्ग, यानी आपके दूसरे से आपके, तो नंबर यहाँ दो सही माना जाएगा, पराजय शब्द में आपका कौन सा उपसर्ग लगा है पूछा है यहाँ पर, उपसर्ग लगा है पराजय, पराजय में आपके उत्तर नंबर दो होगा। आगे देखते हैं हम, आपकी जो परीक्षा है ये है आपका एलडीसी 2016 में, पटवार आपके 11 में, फिर प्रश्न आपके द्वितीय श्रेणी 2014 में, हाई कोर्ट एलडीसी 2017 में दिया गया प्रश्न, प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस उपसर्ग के जुड़ने से जय शब्द का अर्थ विपरीत हो जाएगा, जय, जय के विपरीत हो जाएगा आपके पराजय, जय यानी आपका जीतना और पराजय यानी हारना। मैंने बताया मूल शब्द के अंत में, मूल शब्द के अंत में जुड़ने से ये अपना आपका अर्थ ही बदल देते हैं, पराजय, पराजय का अर्थ होता है आपके हार, हारना, तो हमारा यहाँ विपरीत अर्थ हो जाएगा, जय का अर्थ होता है जीतना, जय का मूल शब्द होता है आपका जीतना, जय का अर्थ होता है जीतना, जीत, पराजय यानी हार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आरपीएससी लिपिक 2013 की भर्ती में दिया गया प्रश्न, इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग है, इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग है,
सर्ग है, पराधीन, परधन आधीन, पर आश्रित, पर दूसरे के आश्रित, परायण और पराकाष्ठा। पराकाष्ठा में आपके परा उपसर्ग है, पराकाष्ठा। चलिए, पराकाष्ठा में क्या है आपके? परा उपसर्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास परामर्श में उपसर्ग है, परामर्श में उपसर्ग है, परामर्श में आपके परा उपसर्ग है, परामर्श में आपके परामर्श परा उपसर्ग है। PSI 2022 की भर्ती में दिया गया प्रश्न, तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है आपके पास? परा उपसर्ग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? चलिए, कौन सा आएगा? किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं? पराभव, परायण, पराक्रम और परामर्श। पराक्रम में है, परामर्श में परा उपसर्ग है, पराक्रम में भी है और पराभव में भी, और परायण में नहीं हो। परधन अयण होगा, परायण नहीं होगा। उत्तर नंबर 4 यहाँ सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, आपके असिस्टेंट एग्रीकल्चर 2019 की भर्ती में दिया गया प्रश्न है और यही प्रश्न आपका रिपीट होके आया है सेकंड ग्रेड 2023 की भर्ती में। सेकंड ग्रेड 2023 की भर्ती यानी अभी हाल ही में आपके ये आपके आया है। तो प्रश्न है आपके सामने, परा उपसर्ग है देखना है आपके, पराधीन में परधन आधीन, परामर्श परधन मर्श, परायण। आपके परामर्श परा उपसर्ग है, परामर्श में होगा आपके। चलिए उत्तर नंबर यहाँ आपके परामर्श में, मैंने बोला परामर्श, परोपसर उत्तर नंबर 1 में है और इसमें मैंने लगाया था आपका परायण सही है, नहीं है, परायण में नहीं है। परोपसर्ग पराभव में है, पराकर्म में, परायण में, यहाँ पर अपना परा उपसर्ग है, परायण में नहीं है, पर धन अयन होता है और आपके परोपसर परामर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट ग्रेड 2000 में आया हुआ प्रश्न आपके 22 में। चलिए, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, हम सफर, हम उम्र, हम लोग, हम वतन, हम सफर नहीं हुआ है। भाई हम लोग में नहीं, हम लोग में आपके उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। हम लोग एक सार्वनामिक विशेषण है, लोग क्या है आपके? सर्वनाम। तो यहाँ पर हम उम्र, हम वतन और हम सफर एक शब्द विशेष है, लेकिन यहाँ लोगों की विशेषता बतानी है, हम लोग। तो यहाँ है आपके पास सार्वनामिक विशेषण, विशेषता बता रहे हैं लोगों की। हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो यहाँ पे विशेषता बता दी। तो यहाँ बाकी सभी, हम सफर, हम उम्र, हम वतन, यहाँ पर आपके उपसर्ग है और उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, उत्तर नंबर 3 में नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, RPSC लिपिक परीक्षा 2013 में दिया गया प्रश्न है आपके सामने, इनमें नी उपसर्ग नहीं है, नहीं है पूछा है। नी निष्ठा, निकाय, निकर और आपका निरामय, निरामय में नहीं है, इसमें आपके निरुपसर्ग है। कौन सा है? निरुपसर्ग है, निर्धन अमय, तब जाके ये हुआ निरामय, निरामय, निर्धन अमय, नी निष्ठा, निकाय और नी में आपके है उत्तर नंबर 4। आगे देखते हैं, संरक्षण अधिकारी परीक्षा 2019 में दिया गया प्रश्न। चलिए प्रश्न क्या है देखते हैं, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, आजन्म, आधुनिक, आलोचना,
आपका आवेदन आधुनिक, आधुनिक में नहीं हुआ है, लोच आल आ में आपका है ऑप्शन लोचन, लोचना करना, आवेदन वेदन आवेदन करना, और आजन्म जो जिसका जन्म नहीं हुआ, आधुनिक में नहीं है, नहीं हुआ है पूछा है हमसे, आधुनिक में नहीं है। आगे देखते हैं, नियुपसर्ग नहीं है, यह भी मैंने बता दिया, निष्ठा निकाय और निरामय मैंने बता चुकी। आगे देखते हैं, एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द इनमें से कौन सा है, एक से अधिक आरपीएससी 2008 में दिया गया प्रश्न, एक से अधिक उपसर्ग, भाई एक से अधिक, चलिए देखते हैं, मूल शब्द है आपके पास सुरक्षा, शब्द है यहाँ पर सुरक्षा, सुरक्षा में मेरे पास छोटा छोटा बताते देखते हैं, मैं जो मूल शब्द है, अब मूल शब्द है हमारे पास सुरक्षा, और सुरक्षा में मेरे पास इत प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इत प्रत्यय जुड़ा है और आ उपसर्ग ला, आ उपसर्ग है, ये तो है उपसर्ग, ये है आपके पास मूल शब्द, आपके पास है प्रत्यय, उसमें तो आपके पास एक ही उपसर्ग हुआ, एक से अधिक पूछा है। अत्याचार में देखो, अत्याचार में आपका अति धन आचार, आति आचार यहाँ मूल और अति यहाँ पर हमारे पास एक, अध कचरा में आपके पास कचरा मूल है और अध उपसर्ग, पर्यावरण में देखो परी परी चले देखते हैं, पर्यावरण में आपके होगा पर्यावरण में आपके द्वारा देख परी धन उपसर्ग और आपका मूल शब्द है वर्ण, यहाँ पर एक से अधिक उपसर्ग आपके परी धन आ, दो उपसर्ग आए हुए हैं यहाँ पर, और आपके एक उपसर्ग परी हो गया, एक उपसर्ग हो गया आपके, दूसरा हो गया आ उपसर्ग, मूल शब्द है आपके पास वर्ण, तो इन दोनों के मेल से जब हुआ तो ई के बाद आ आया तो य आया, और जो आने के बाद ये आधा रह गया ऊपर प्राप्त या की और पीछे शब्द रहा है, उत्तर नंबर 4 सही होगा, पर्यावरण यहाँ पर आपका होगा उत्तर। आगे देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग है, आरपीएससी लिपिक परीक्षा 2013 की भर्ती में दिया गया प्रश्न है, व्याकरण में वी, व्याकरण में आपका वी उपसर्ग है, वी उपसर्ग है आ करण, वी धन आ धन करण, वी के बाद आपका आया तो एक उपसर्ग तो ये हुआ, पर एक आपका 2 से अधिक पूछा है, एक आपका ये हुआ, 2 उपसर्ग है, दुर्व्यवहार में तू धन वी उपसर्ग आएगा यहाँ, धन वी धन अव आहार, यहाँ मूल शब्द आपके हार है, मूल शब्द क्या है आपके पास हार, चलिए तू दुर
के बाद ये आपका आधा हो गया, इससे मेल हुआ, इन दोनों के मेल होने से ये आधा हुआ, तो व्या की प्राप्ति हुई, वा आपका यू की हुई है, और ये आधा होने से शिरोरेखा पर चढ़ा, तो आपका उत्तर नंबर 2 सही होगा। आपका इसमें आपके 2 से अधिक उपसर्ग आ रहे हैं, यानी 1, 2 और 3 उपसर्ग आ रहे हैं, जिसमें आपके 2 हैं, पर्यावरण में भी 2 है, समन्वय में आपके, समन्वय में भी आपके 2 ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाई कोर्ट LDC 2023 की भर्ती में दिया गया प्रश्न है, प्रश्न है आपके सामने, दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग नहीं है, कौन सा उपसर्ग नहीं है भाई? दु उपसर्ग नहीं है, दुर्व्यवहार में दुर उपसर्ग है, फिर वी उपसर्ग है, फिर अव उपसर्ग है, और मूल जो शब्द है हमारे पास वो है हार। हार क्या है? मूल शब्द। हार क्या है? मूल शब्द, मूल शब्द है। तो दुर उपसर्ग में आपके 3 उपसर्ग हैं, कौन सा नहीं है पूछा है, वह उत्तर नंबर 1 होगा, दु, दु यानी नहीं है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। एग्रीकल्चर ऑफिसर 2019 की भर्ती में दिया गया प्रश्न, प्रश्न है आपके सामने, किस शब्द में 1 से अधिक उपसर्ग हैं, 1 से अधिक उपसर्ग, एक चलिए बताइए, अभिभाषण, व्याकरण, वी 1 से अधिक, भाई व्याकरण में आएगा, वी धन आ धन करण, भाई हमसे 1 से अधिक पूछा है, तो यहाँ पर 1 और 2, उत्तर नंबर 4 सही होगा, बाकी सब में उपस्थिति उप उपसर्ग है, स्थिति यहाँ पे मूल स्थित मूल शब्द है, ठीक है, और अव उपसर्ग है, अभी उपसर्ग है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके 2 उपसर्ग, किसमें 1 से अधिक पूछा है, तो 2 उपसर्ग हुए, एक तो आपका वी और एक हुआ आपका आ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। LDC 2016 की भर्ती में दिया गया प्रश्न, चलिए ये मेरा, मैं अब जो आपको उपसर्ग समझा रही हूँ आपके समझ में आ रहा होगा, ठीक है, चलिए, इनमें से किस शब्द में 1 से अधिक उपसर्ग, 1 से अधिक, स्वाभिमान, समाचार, करिए, स्वाभिमान में 1 से अधिक है, 1 से अधिक नहीं पूछा, सम धन आचार, ठीक है, अवहेलना, चलिए, इनमें से किसमें आपके, इनमें से किसमें आपके 1 से अधिक उपसर्ग नहीं है, आपके परी धन आवरण, परिधन आवरण, 1 से अधिक आवरण होता है आपका चारों ओर ढका हुआ, परी यानी एक उपसर्ग, परी का अर्थ होता है चारों ओर, तो 1 से अधिक उपसर्ग नहीं है, एक ही उपसर्ग है आपका, एक एक आएगा, समाचार अवहेलना में भी है, स्वाभिमान में भी है, और समाचार में भी है। आगे देखते हैं आपका PSI 2018 की भर्ती में दिया गया प्रश्न, इस किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग हैं, 2 से अधिक, पर निर्नुनासिकता में आपके 2 से अधिक उपसर्ग है, निर धन अनु धन आस, आप अव्यवस्था, अव्यवस्था, तो नंबर आपका इनमें से होगा अव्यवस्था, निरसंकुच, ये आपका किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग नहीं है, निरंसंकुचता में आपके 1 उपसर्ग, 2 उपसर्ग, नासिक यहाँ मूल शब्द, मूल शब्द यहाँ क्या है,
नासिक, नासिक यानी नाक, नासिक यानी नाक से, नासिक के शब्द को। ता यहाँ क्या है, ता यहाँ प्रत्यय, एक उपसर्ग और दो से अधिक पूछा है, अव्यवस्था, आ उपसर्ग करके और आपका अव, दो से अधिक और मूल शब्द है आपका स्था, ठीक है, स्थित होना, स्था यानी स्थित होना, एक दो और आपका दो से अधिक पूछा है, आपका नंबर एक में आपका उत्तर नंबर एक यहाँ पर सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रश्न है इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, आपका PSI 2021 की भर्ती में दिया गया प्रश्न है एक से अधिक। चलिए देखते हैं, असुरक्षित, एक से अधिक, चार ऑप्शन में देखना है हमें, एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। देखिए असुरक्षित में अ है और एक से अधिक सुर मूल शब्द है, एक तो है आ उपसर्ग, एक है आपका सूतक और यहाँ रक्षा मूल शब्द है और इत प्रत्यय जोड़ा गया है। दोबारा समझिए, आ उपसर्ग हुआ, सू उपसर्ग हुआ और आपका रक्षा यहाँ पर मूल शब्द है, रक्षा यहाँ क्या है, मूल शब्द है और इत यहाँ पर लग रहा है प्रत्यय, क्या है, प्रत्यय जोड़ा। तो एक से अधिक पूछा है इनमें से किस शब्दों में एक से अधिक, तो हमारे पास एक उपसर्ग तो ये हो गया और एक उपसर्ग ये हो गया, असुरक्षित हुआ है। अत्यंत, अत्यंत में आपके आ, अति, धन, अंत, बस इसमें आपके इसमें ही हो रहा है, यानी एक पहले वाले शब्द में आपके पास तीन उपसर्ग आ रहे हैं और दूसरे वाले शब्द में आप गौर से देखोगे तो यहाँ आपके अत्यंत में मैंने अति भार निकाला और यहाँ मूल शब्द है आपके पास अंत, मूल शब्द है क्या है आपके पास, अंत है और इसमें केवल आपके पास एक ही उपसर्ग लग रहा है, वो भी है आपके पास अति। चलिए दूसरा देखते हैं हम, यानी दोनों जो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं ना, एक दो तीन चार, इन दोनों के जो दो दो शब्द दिए गए इन दोनों में ही आपके पास एक से अधिक उपसर्ग होने चाहिए, ठीक है, तभी हमारा उत्तर सही बैठेगा। आप प्रत्यक्ष, चले अत्याचार में देखते हैं, अत्याचार में अति उपसर्ग है, फिर आ उपसर्ग है और मूल शब्द है आपके पास चार, अध्यक्ष, अध्यात्म में आपके अधि, धन, आत्म, अधि, धन, आत्म, अधि यहाँ पर मूल उपसर्ग है, अधि यहाँ पर है उपसर्ग और आत्म यहाँ पर है मूल, आत्म यहाँ पर है मूल शब्द, तो हमसे एक से अधिक पूछा है तो यहाँ पर तो एक उपसर्ग हो गया, ये दूसरा उपसर्ग हो गया, यहाँ पर दो उपसर्ग हैं। चलिए निकृष्ट में आपके पास केवल नी उपसर्ग है और अभ्यर्थी में आपके पास अभी उपसर्ग है, अभ्यर्थी में आपके पास अभी उपसर्ग है, जरा देखते हैं इसका विच्छेद, अभी, धन, अर्थी, अभ्यर्थी, अभ्यर्थी यानी अर्थी, एक अर्थी, ये वाले अर्थी का अर्थ होता है आपका याचना करना, अर्थी का शाब्दिक अर्थ होता है आपका याचक, याचक, याचक होता है अर्थी, एक अर्थी होती है शब को ले जाते हैं वो वाली अर्थी, ये होती है अर्थी, इसमें आपके र पूरा आता है, दोबारा सुनिए, अर्थी जो शब को हम शमशान घाट ले जाते हैं वो होती है ये अर्थी, इसमें र आपका पूरा है और एक अर्थी है ये जिसमें आपके र आधा है, दोबारा सुनिए, अर्थी ऊपर वाली नीचे वाली, नीचे वाली अर्थी का शाब्दिक अर्थ होता है याचक और ऊपर वाली अर्थी का आप शाब्दिक अर्थ होता है शब को, शव को ले जाना शमशान, तो अर्थी एक तो वो ऊपर वाली जहाँ रा पूरा है और नीचे वाली अर्थी आपके आधा रा है, तो यहाँ शब्द युग्मों को भी आपको देखना है, मूल शब्द यहाँ पर अर्थी ये वाला,
अभ्यर्थी, अभ्यर्थी होता है आपका याचक, तो आपका इसमें भी नहीं है। प्रत्यागत, प्रत्यागत में देखते हैं प्रति धन आ, और मूल शब्द इसमें है घात, मूल शब्द इसमें है घात। अप्रत्याशित में देखते हैं, अप्रत्याशित में इसके आ उपसर्ग है, फिर है आपके पास प्रत्यर्ग है, फिर इसमें यक्ष मूल, यक्ष मूल शब्द। अब हमें देखना है, चलिए ऊपर वाले में हमारे पास तीन उपसर्ग आए लेकिन यहाँ हमारे पास एक ही उपसर्ग था, इसमें नहीं है। अत्याचार में यहाँ पर हमें दो उपसर्ग आए लेकिन पीछे वाले में नहीं था। इधर भी आपके निकृष्ट अभ्यर्थी में हमारा जो सही उत्तर होगा, आपका उत्तर नंबर 4 सही होगा। इसमें आपके पास एक तो प्रति है, एक आ है और आ प्रति, ठीक है। तो ये आपके हुए इसमें उत्तर नंबर 4 यहाँ पर होगा। दोनों में ही आपके दो दो उपसर्ग आ रहे हैं, दोनों में ही हमारे दो दो उपसर्ग आ रहे हैं। हमसे को प्रश्न किया गया था एक से अधिक, तो हमें दोनों में दो दो उपसर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, PSI 2021 की भर्ती में दिया गया प्रश्न, PSI 2021 की भर्ती में प्रश्न दिया गया है, एक से अधिक उपसर्गों से निर्मित है। एक से अधिक, एक से अधिक में आपके उत्तर नंबर 1 आएगा। कैसे, देखिए वी उपसर्ग हुआ, फिर हुआ आपके अव, फिर हुआ आपके हार। हार यहाँ क्या है, हार यहाँ मेरे पास मूल शब्द है। हार क्या है, एक से अधिक पूछा है, एक उपसर्ग तो एक हुआ वी और एक हुआ हमारे पास यू। और ई, ई में क्या निकल रहा है, बी में आपके ई निकल रही, बी में ई निकली तो ये आधा वाचक, फिर इसने इसको मेल करा, ये आ भार आया, ये भार आ आया और पीछे शेष बचा आपका व। इन दोनों का मेल मुझे य की प्राप्ति करा रही है, तो आपका जो शब्द बनेगा व्यवहार, व्यवहार। तो उत्तर नंबर आपका 1 सही माना जाएगा। उत्तर नंबर यहाँ हमारा क्या होगा, 1 सही होगा। क्यों होगा, हमसे पूछा है एक से अधिक, तो हमारे एक उपसर्ग तो वी आ गया, एक उपसर्ग अब आ गया, मूल शब्द क्या है, मूल शब्द है हार। तो यहाँ हमारा शब्द बना आपके पास व्यवहार, यानी प्रश्न हमारे एक ही शब्द में दो तीन उपसर्ग भी हो सकते हैं, प्रत्ययुक्त भी शब्द हो सकता है। तो हमें चीजों को गौर से देखना है कि वाक्य में आपसे पूछा क्या जा रहा है, एक उपसर्ग पूछा जा रहा है या एक से अधिक उपसर्ग पूछे जा रहे हैं, दो उपसर्ग पूछे जा रहे हैं, दो से अधिक, फिर कई बार तो आपके मूल शब्द को भी निकालना बड़े भारी पड़ जाता है। तो मूल शब्दों को भी हमें पहचानना है, क्योंकि मूल शब्द वही होता है जहाँ प्रत्यय नहीं होता है। कई बार हम क्या सोचते हैं कि हमने उपसर्ग भार निकाल दिया तो पीछे का बचा है, भाई पीछे का भी हमें देखना है। पीछे जो अंत में लगता है, अंत में मूल शब्द के जो अंत में लगता है वो प्रत्यय कहलाता है। तो हमें प्रत्यय को भी बाहर निकालना है, तब हमें क्या छाटना है, हमारा मूल शब्द छाटना। जैसे कि हमने प्रत्याशित शब्द देखा, प्रत्याशित शब्द देखा था प्रत्याशित। अब इससे मैं आपसे पूछूं, प्रत्याशित में आपके ये प्रश्न आ भी गया है, PSI 2011 की भर्ती में आया हुआ प्रश्न था। प्रश्न में पूछा गया था प्रत्याशित में मूल शब्द क्या है, प्रत्याशित में मूल शब्द भाई आशा है, आशा है। एक तो प्रत्यय जुड़ रहा है, प्रति उपसर्ग लग, प्रति उपसर्ग है, फिर आपका प्रति उपसर्ग आशा मूल शब्द और इत, हमारा इस तरह भी प्रश्न कई बार बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किस तो शब्द में, चलिए मैंने ऑप्शन लगा दिया था, उत्तर नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वरिष्ठ अध्यापक 2019 में दिया गया प्रश्न, प्रश्न है आपके सामने, किस तो शब्द में 3 उपसर्गों का प्रयोग हो रहा है, 3 उपसर्ग स्वव्यवस्थित में आ रहे हैं, स्वव्यवस्थित, सु के बाद आपका आया व, बी और फिर आया आपका अव, और मूल जो शब्द है आपके पास है स्थित, था मूल शब्द है हमारे पास स्था, और इसमें आपके
रहा है प्रत्यय। कई बार मैं बोल रही हूँ कि मूल शब्द को निकालना बड़ा भारी हो जाता है, क्योंकि मूल शब्द के अंत में प्रत्यय लगा होता है, तो हमें सबसे पहले प्रत्यय को बाहर निकालना है। तो ये क्या है आपका प्रत्यय, मूल शब्द क्या है स्था, स्था क्या है यहाँ पर मूल शब्द, स्था क्या है मूल शब्द, इत क्या है प्रत्यय। हमसे पूछा क्या गया है, तीन उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, तू पहला पहला उपसर्ग, बी दूसरा उपसर्ग, अब तीसरा उपसर्ग। तीन उपसर्गों का प्रयोग किसमें हुआ है, स्वव्यवस्थित में हुआ है, और स्वव्यवस्थित में आपका मूल शब्द अगर पूछा जाए तो मूल शब्द स्थित नहीं है। कितनी बार हम सोचते हैं स्थित मूल शब्द है, हम क्या सोचते हैं स्थित मूल शब्द है, स्थित मूल शब्द नहीं है, स्थित में आपके इत प्रत्यय जोड़ा गया है। और प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं, प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं, प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं, प्रत्यय मूल शब्द के अंत में लगते, मूल शब्द के अंत में जो जुड़ते हैं जो लगते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं, जो मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसमें विशेषता ला देते हैं, उसमें परिवर्तन ला देते हैं, उनको उपसर्ग कहा जाता है। तो यहाँ इसका हमारा मूल शब्द इत प्रत्यय है, तो तीन सर किसमें है, स्वव्यवस्थित में। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम, पटवार 2011 की भर्ती में दिया गया प्रश्न, पटवार 2011 में किस क्रम में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, एक से अधिक का देखना है। चलिए पर्यावरण तिरोभाव, देखिए तिर तिरो धन अभाव, तिरोभाव अविभाव, चलिए देखते हैं किस एक से अधिक उपसर्गों का, भाई एक से अधिक उपसर्ग आपके परि धन आ धन वर्ण में आ रहा है, तो यहाँ उत्तर नंबर एक सही होगा। एक से अधिक उपसर्ग आ रहे हैं, एक उपसर्ग दो उपसर्ग और वर्ण, वर्ण यानी प्राप्त करना ना, तो यहाँ पर एक से अधिक उपसर्ग आ रहे हैं आपके नंबर उत्तर नंबर एक में पर्यावरण में। आगे देखते हैं प्रश्न, प्रश्न है तृतीय श्रेणी 2013 की भर्ती में दिया गया प्रश्न है, स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग है, स्वाभिमान, स्वाभिमान में है आपका स्व, स्व यानी अपने अंदर, स्वाभिमान क्या होता है, स्वाभिमान होता है अपने अंदर का मान, स्वाभिमान, तो यहाँ मूल शब्द है आपके पास स्व, देखते हैं स्व मूल शब्द, फिर इसमें अभी स्वाभिमान, स्व और स्व का अर्थ होता है स्वयं के, स्व का अर्थ होता है स्वयं, तो नंबर यहां पर हमारा एक सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न है आपके सामने, ग्राम सेवक 2016 की भर्ती में दिया गया प्रश्न, ग्राम सेवक 2016 की भर्ती में प्रश्न है, किस विकल्प में उपसर्गों से रहित, रहित मैं बार बार बोलती हूँ, जहाँ प्रश्न पढ़ते समय रहित सहित नहीं है, सत्य असत्य सुमेलित असुमेलित जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, तो प्रश्न पढ़ते समय सबसे पहले उसको ही हाईलाइट करना, क्या करना है हाईलाइट, रहित का शब्द करता है क्या है शाब्दिक अर्थ नहीं, तो हमें देखना है किस विकल्प में उपसर्ग नहीं है। चलिए हमारा जो प्रश्न होता है बड़ा ही आसान हो जाता है कि जैसे आया नहीं, रहित रहित ऐसा लग रहा है कितना कंफ्यूज सा शब्द है, ठीक है चलिए रहित अकाल में अ है, अथल है, आपड़ है, इसमें है आ उपसर्ग में आपके दूपसर्ग है, दूपसर्ग है, दूपसर्ग है, ठीक है, कुखड़ी में आपके कु कु कु,
पराजय में आपके परा, पराभव और परायण, भाई इन सभी चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शनों में आपके पास चारों में ही आपके उपसर्ग युक्त शब्द है, यानी ये क्वेश्चन है आपका बोनस अंक दिलाने वाला क्वेश्चन। यानी आपके इस प्रश्न में अगर आप प्रश्न को गौर से देख रहे हैं तो यह प्रश्न आपको बोनस अंक दिला सकता है। यहाँ प्रश्न पूछा है किस विकल्प में उपसर्ग रहित है, रहित यानी नहीं है, यानी इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जहां आपके पास उपसर्गों से रहित आपके पास उत्तर हो। यहाँ चारों ही ऑप्शनों में आप देख रहे हैं अकाल में आ उपसर्ग है, अथल में आ उपसर्ग है, अपड़ में आ उपसर्ग है, दुश्चिंतता में दु उपसर्ग है, उपसर्ग है, और आपके दुस्साहस में भी आपके दुस उपसर्ग है, कुखड़ी उपसर्ग, उठा, पराजय पराभव और आपका परायण, सभी में ही आपके उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ आपको मिलते हैं इस प्रश्न में बोनस अंक दिए जाएंगे, क्या दिए जाएंगे बोनस अंक, क्योंकि हमारे पास कोई भी एक ऑप्शन हमारे पास सही नहीं है, ये एग्जामिनर की गलती के कारण चार ऑप्शन में दे दिए गए हैं। चलिए, सा उपसर्ग रहित शब्द है, सा उपसर्ग रहित 2016 की पटवार भर्ती में दिया गया प्रश्न, सा उपसर्ग है, सहानुभूति, सहानुभूति, सा उदाहरण, सा धन धारण, साधन उदाहरण, साधन उल्लास, साधन उल्लास से रहित है पूछा है, ध्यान देना रहित का शाब्दिक अर्थ है, तो दो में तो आपके सा उपसर्ग निकल आया, सा उपसर्ग है यानी सहानुभूति, सा में भी आपके सा उपसर्ग है, में भी आपके पास सा उपसर्ग है, हित इसका मूल शब्द है, सा उपसर्ग इसमें भी है, सहानुभूति में आपके उपसर्ग नहीं है, सहानुभूति में उपसर्ग नहीं है, तो उदाहरण में आपके सा उपसर्ग, अगर मैं गुण संधि की बात करूं यहाँ पर, अगर मैं पूछूं कि इसमें संधि कौन सी है, तो चलिए बताइए कौन सी संधि होगी, बताइए कौन सी संधि होगी इसमें, ऑप्शन आपके यहाँ पूर्ण संधि होगी, कौन सी संधि होगी, पूर्ण संधि, कैसे होगी, सा के बाद यदि उ की प्राप्ति होती है तो नियम कहता है आपके ओ आएगा, क्या आएगा, ओ आएगा, तो शब्द क्या बनेगा हमारे पास, सो उदाहरण, सो उल्लास, और सा उपसर्ग हित यहाँ पर मूल शब्द है, हित यहाँ पर क्या है, मूल शब्द, हमसे पूछा क्या है कौन सा आपके उपसर्ग रहित है, तो सहानुभूति यहाँ पर उपसर्ग रहित उत्तर है। तीन ऑप्शन, पहला, तीसरा और चौथे में आपके पास सा उपसर्ग है और दूसरे में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर 2008 की भर्ती में दिया गया प्रश्न, चलिए, विदेशी भाषा में उपसर्ग से बना हुआ शब्द इनमें से कौन सा है, विदेशी भाषा का पूछ रहे हैं, चलिए भाई सरताज, सरताज यहाँ पर विदेशी भाषा का शब्द है, सरता हमशक्ल नहीं, सरताज, सरताज कहा जाता है, इसमें आपके ताज, ताज सिर पे लगता है, और सरताज, सरताज जो आपके सिर पे रहता है हमेशा, ठीक है, उसको बोलते हैं सरताज। तो आपका उत्तर नंबर, विदेशी भाषाओं में इनमें से कौन सा है भाई सरताज, इसका उत्तर होगा, क्योंकि आपके विदेशी जो आपके आगत ध्वनियां होती हैं, अगर मैं कहूँ आगत ध्वनि, या फिर इसको एक नाम और देती हूँ मैं, रहित ध्वनि, रहित ध्वनि, ये कितनी मानी गई है, इनकी संख्या पांच मानी गई है, कितनी मानी गई है, पांच, क, ख, ग, ज, 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 ज
आपके फ, क ख ग घ और आपके ज और फा, और इनके नीचे नुक्ता लगाना बड़ा ही आवश्यक, ये आपके व्यंजन बन जाएंगे। और आपके आगत ध्वनि कितनी है, क ख ग घ कर्ता जो, जो क्या है आपका ग्रहित ध्वनि से निम्नलिखित शब्द है, तो आपका उत्तर होगा आपका दो। आगे देखते हैं आपके सेट 2023 में, यानी अभी हाल ही एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, शिफ्ट एक में आया था प्रश्न है, हम शकल में उपसर्ग है, हम शकल में उपसर्ग है, हम शकल में आपके उर्दू उपसर्ग है, हम शकल में आपके उर्दू उपसर्ग है। चलिए आगे, चलिए ये उपसर्गों से संबंधित जो हमारी श्रृंखला थी एमसीक्यू की, वो आज यही समाप्त करते हैं। इसी श्रृंखला को हम आगे की क्लास में बढ़ाएंगे। मेरी आशा है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपके हमारे द्वारा दिए गए नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आते रहें और हमसे आप जुड़ते रहें और मैं आपके पास समय से पर पहुंच सकूं। आज के लिए इतना ही, आज के लिए धन्यवाद।